नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला। जी हां, इस वक्त आप सभी के समक्ष एक बड़ी खबर लेकर उपस्थित हैं। बिहार में 12 घंटे का नाइट कर्फ्यू, शाम 6 बजे से ही लगेगा नाइट कर्फ्यू, 4 बजे तक बंद होंगी दुकानें, वीकेंड लॉकडाउन अभी भी नहीं। बिहार में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप CMG की बैठक के बाद नाइट कर्फ्यू के समय को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू अब शाम 6 बजे से ही लागू रहेगा। इस तरह नाइट कर्फ्यू अब शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक यानी 12 घंटे का होगा। सभी दुकानें को अब शाम 4 बजे तक ही बंद करना होगा। CMG की मीटिंग के बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत व विकास आयुक्त आमिर सुबहानी ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। हालांकि नाइट कर्फ्यू का यह नियम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, किसी कृषि कार्य, औद्योगिक इकाइयों, निर्माण कार्य, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों और इससे संबंधित कार्यों, ठेले पर फल सब्जी की बिक्री करने वालों, रेस्टोरेंट इत्यादि पर लागू नहीं होगा। रेस्टोरेंट में रात 9 बजे तक खाना पैक करवा कर ले जाने की सुविधा जारी रहेगी। लगातार 3 दिन की मीटिंग के बाद भी वीकेंड लॉकडाउन नहीं। बिहार के CM नीतीश कुमार लगातार 3 दिनों में मैराथन मीटिंग कर रहे थे। सोमवार को उन्होंने अपने सरकारी आवास एक आने मार्ग पर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, आपदा विभाग सहित कोरोना से जुड़े संबंधित विभागों से फीडबैक लिया। बैठक के बाद वे पटना की सड़कों पर निकल पड़े थे। CM नीतीश उन जगहों पर गए जहां भीड़भाड़ रहने की संभावना रहती है। इसके दूसरे दिन यानी मंगलवार को मुख्यमंत्री ने बिहार के सभी जिलों के DM SP के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग की और सभी जिलों का फीडबैक लिया। माना जा रहा था कि बिहार में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा सकता है, हालांकि सरकार ने अभी पूरे प्रदेश में धारा 144 के तहत पाबंदियां लागू करने और नाइट कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।